बहुत हाँ 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 अडोर ओके सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है मैम. अभी बहुत ही इमोशनल मोमेंट था, आप काफ़ी रोए थे और वो हमने कैप्चर भी किया था, फैन काफ़ी दुख हुए, क्या कहना चाहिए आप? मुझे लगा नहीं था कि मैं रोऊंगी, बिकॉज मतलब मैं रोती हूँ, ऐसा नहीं कि मुझे रोना नहीं आता, बट आई ट्राई टू कंट्रोल इन फ्रंट ऑफ यू नो एवरीवन. मैं अकेले में निकाल लेती हूँ, बट वो एंड मोमेंट ऐसा था जब मैंने हिमेंद सर के मुंह से सुना लास्ट शॉट ऑफ मैडम सर सीजन वन, आई वॉज लाइक ओ गॉड. मुझे एकदम से फर्स्ट डे याद आ गया लखनऊ का और आई जस्ट कुडंट स्टॉप. जैसे ही खत्म हुआ जस्ट केम आउट. जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था लास्ट एपिसोड का, उसके बाद आप काफी गुलकी मैम और आप इतने इमोशनल हुए थे, सब लोग इमोशनल हो गए थे उस समय. उस पल को थोड़ा कुछ अगर आप डिस्क्राइब करें. लास्ट डेज हमारे बहुत ही अच्छे गए हैं सबके, बिकॉज ऐसा होता था कि पूरा दिन साथ में काम करते हैं. सो मैं थोड़ी ऐसी हूँ कि आई लाइक टू स्टे इन माई रूम लंच टाइम में. मैं मतलब अकेले रहना पसंद करती हूँ कि थोड़ा, बट वो लास्ट डेज ऐसे थे कि वी ऑल डिसाइडेड कि नो वी विल बी टुगेदर, चाहे कुछ भी हो जाए. तो हम काफ़ी हम टाइम स्पेंड कर रहे थे साथ में और यस, ऐसा लग रहा था कि बस खत्म कर ये सेट. उससे भी ज़्यादा दुख इस बात का था कि ये सेट टूट जाएगा. जिस घर में हम 3 साल से आए हैं, हमारे घर चले हैं जिस वजह से, वो बंद टूट जाएगा, तो वो एक इमोशनल थिंग था. लेकिन एक अच्छी बात है कि मैडम सो 2 आने वाला है, ये सबको पता है, और उसमें आप हेड होगी. आई डोंट नो, मैं आई विल नॉट लाई. मैं कुछ भी गलत प्रोमिसेस या कुछ भी ऐसा नहीं करूंगी. मैडम सर 2, जैसा कि सोनी सब इज सेइंग इट इज कमिंग, आई एम ग्लैड दैट इफ इट्स कमिंग, आई एम हैप्पी अबाउट इट. इफ आई एम अ पार्ट ऑफ इट और नॉट, दैट इज अपॉन देम. मतलब आई हैव नो आइडिया अबाउट इट, क्योंकि मुझे किसी ने अभी तक अप्रोच नहीं किया मैडम सर 2 के लिए. तो जब चीजें होंगी मैं बता दूंगी. ओके, अंकित के बारे में बात करें, आपके फ्रेंड अंकित है जो जूनियर में काम करते हैं, अभी कर रहे हैं, वो प्रोमो आपने देखा अंकित गुप्ता का? हाँ, मैंने प्रोमो नहीं देखा, मुझे बस ये पता चला है कि वो कलर्स का एक शो कर रहे हैं ना यहाँ पर, मैंने नहीं देखा. ओके, आगे की क्या मैम प्लानिंग है, क्योंकि अभी छुट्टी है ये थोड़ा सा, लेकिन इसके लिए नहीं है मेरी. छुट्टी मेरी तब स्टार्ट होगी जब मेरा एक प्रोजेक्ट फाइनल होगा. दिस इज व्हाट आई डू व्हेन मेरा एक प्रोजेक्ट खत्म होता है. आई ट्राई टू यू नो लुक फॉर अदर प्रोजेक्ट्स एंड द मोमेंट आई गेट इट, आफ्टर दैट आई टेक अ वेकेशन कि चलो अभी मेरे पास कुछ है कि मैं वेकेशन करके आऊंगी, देन आई हैव टू गेट बैक टू वर्क. लेकिन कुछ तैयारी चल रही, जैसे कि मैंने खतरों के खिलाड़ी की तैयारी. हां, आपने बोला है तो आई विल स्टार्ट यू नो लर्निंग स्विमिंग. मैं ये स्टार्ट करती हूँ तैयारी, मतलब ये कि यस न्यू एक्सप्लोर करना, क्योंकि आप रोमांटिक किरदार में भी अच्छी दिखती है. लास्ट टाइम मैंने जब इंटरव्यू किया था, यू लुकिंग ब्यूटीफुल एंड गॉर्जियस उस समय भी, और फैंस ने बहुत आपका इंटरव्यू लव किया था. आई डू गुड रोमांस, आई नो दैट. अच्छे से मजा आता है और बहुत अच्छे से हम करते हैं, क्योंकि इतना इंटेंस और इतना माहौल ऐसा बन जाता है ना, दैट आई लाइक टू बी फोकस्ड. सबसे पहली बात तो जब कुछ ऐसा शूट होता है ना, बहुत सीरियस रहते हैं सब सेट पे, उस सीरियसनेस की वजह से मुझे बहुत अच्छा लगता है. ओके, फिल्मों के लिए आप कितनी तैयारी करना पसंद करेंगे, कि फिल्म आप सिंगम भी है, अच्छी एक्टिंग भी आप कर लेती है, बहुत ही अच्छी एक्टिंग करती है आप, वो तो आप 101% है. लेकिन फिल्मों के लिए आप मतलब टेलीविजन कर ले, लेकिन एक स्टेप फॉरवर्ड रियलिटी शो या फिल्म वेब सीरीज. एक्टर वॉन्ट्स टू बी इन टू फिल्म, वॉन्ट्स टू बी इन टू वेब सीरीज, वॉन्ट्स टू हैव यू नो अपग्रेड थिंग्स इन देयर लाइफ. सो आई एम ऑल्सो वन ऑफ दोज एक्टर्स जिनको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, फिल्म और उसमें रहना है. आई विल ट्राई, बट एक तो किस्मत, दूसरा यू नो यू नीड टू हैव दोज कॉन्टैक्ट्स, और लेट्स सी व्हाट हैपेंस. मतलब आई एम ट्राइंग माई हार्ट, लाइक आई एम ट्राइंग हार्ड फॉर यू नो फिल्म एंड वेब सीरीज. लेट्स सी. फैन को एक आप विश्वास देंगे कि आप खतरों को खिलाड़ी या बिग बॉस जैसे बड़े रियलिटी शो आप करोगे जिससे पॉपुलैरिटी बड़ी बन जाए हो ज्यादा. एमसी स्टैंड सो कर जीत गए आप, बताए बिकॉज ऑफ फैंस. आई नो फैंस की ये तो मुझे पता है कि अगर इफ आई गो टू बिग बॉस तो मेरे फैंस तो मुझे बहुत अच्छे से सपोर्ट करेंगे, क्योंकि मैडम सो फैंस आर क्रेजी. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो आई वुड लव टू बी अ पार्ट. वन मैसेज टू योर फैन, आई लव यू गाइस, आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट. आई जस्ट वांट यू गाइस टू बी हैप्पी, जस्ट रिलैक्स, एंड आई विल बी बैक ऑन द स्क्रीन्स वेरी सून. थैंक यू मैम.